ऑलराइट सो हे गाइस मी विनय एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी हमने रिसेंटली हमने पीसी बिल्ड किया था तो उसकी वीडियो वाइज ऑलरेडी डल चुकी है। तो अभी हम उसी पीसी को हम अनबॉक्स करने वाले हैं। मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं किया है, वेट किया था कि वीडियो बनाऊंगा अनबॉक्सिंग की अलग सी वीडियो की, तो इसलिए अब मैं अभी अनबॉक्स करने वाला। तो ये पीसी मैंने बिल्ड करवाया नेहरू प्लेस के मार्केट से, और फेमस यूट्यूब चैनल है उनका गेमिंग पीसी वाला, वहां से मैंने ये पीसी बिल्ड करवाया है। टोटल मेरी जो कॉस्ट पड़ी है वो 30,000 पड़ी है, जिसमें मैंने मुझे कैबिनेट मिला है, मॉनिटर मिला है और कीबोर्ड माउस फ्री मिले और एक हेडफोन मिला है गिफ्ट एज अ गिफ्ट। तो 5 गिफ्ट मिले, उनके बाद हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम कैबिनेट पे बात करते हैं। ये मेरा कैबिनेट है, चमचमा सा बिल्कुल रंगीन बिल्कुल, ये हम इसे खोलने वाले हैं। आई थिंक ये ऐसे नहीं खुलेगी, ये कटेगा। ये भाई चाकू आ गया है, थोड़ा गंदा हो रखा है, चाकू को इग्नोर करना। खैर वो एक मिनट से इससे पहले एक बार चीज दिखा दूं। ये देखो ये ना इतने सारे ये सब क्या है, पेपर्स है। जब हम बिल्ड करवाते पेपर पीसी बिल्ड करवाते तब हमें ये इतने सारे हमने पोटेशन ली थी हर दुकान से कि भाई कुछ हमें 30,000 में दे, कुछ 32,000, कुछ 34,000, मतलब सबके रेट हाई आए थे। बट हमें सबसे कम्फर्टेबल जो रेट लगा वो गेमिंग पीसी वाले के पास लगा, तो हमने वहां से पीसी परचेस कर लिया। तो ये उसी की है रैपर, बाकी खैर अभी किसी काम के लिए तो नहीं फेंक दो। खैर कोड़ा वगैरह हो जाए, अभी मम्मी चटकाएगी मुझे। तो भाई देखो ये है कार्ड गेमिंग पीसी वाला, ठीक है, दिख रहा कार्ड गेमिंग पीसी वाला, कैरी सी लगा साइड में। ये हमें गिफ्ट मिला है, इसको ये गिफ्ट मिला है, बट इसको हम देखेंगे बाद में। पहले मैं अपना सीपीयू दिखाता हूँ, कैबिनेट पूरा। वैसे मैंने इसे बिल्ड तो मैंने करवा दिया वहीं पर ही, तो अभी मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ क्या सीन है। तो भाई हमने इसका टेप भी फाड़ दिया है। ये देखो ये है हमारा पीसी का फर्स्ट लुक, ठीक है, एक बार दिखाओ जरा कैमरा मैन। भाई वो बहुत मेहनत लग रही है इसको निकालने में, बट निकाल ले। ब्यूटीफुल फर्स्ट लुक देखो कैमरे का, शट शट। भाई ये पीसी हमने बिल्ड करवाया, इसमें जो प्रोसेसर लगवाया हमने वो राइजन 5 5600G लगवाया है, जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक होता है, और ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो आई थिंक 3.2 GHz है, और बाकी जो इसकी बूस्ट है वो 4.4 GHz की है, मुझे ज्यादा याद नहीं है, मैं एक तुक्का लगा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, जितना मुझे पता उतना बताया, ठीक है। तो बाकी ये मुझे जो प्रोसेसर है वो पड़ गया अराउंड, मेरे को बिल दिखाता हूँ। बिल का मेरा बिल है, ठीक है, और इसमें आपको दिखाता हूँ, इसमें राइजन 5 5600G लगा हुआ है सीपीयू, जिसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड 11,000 कुछ समथिंग, ठीक है, मतलब इसमें एक्यूरेट सबकी नहीं है बाकी बता रहा हूँ। और जो दूसरी इसमें जो मदरबोर्ड यूज हुआ है वो हुआ है MSI का B450 Pro Max मदरबोर्ड, जो कि ये है, ये मदरबोर्ड में यूज हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। इसमें दो रैम स्लॉट्स है और एक NVMe का स्लॉट्स है और एक ग्राफिक कार्ड का सीन है। बाकी क्या है ना, मैंने ग्राफिक कार्ड अभी इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि मैं थोड़ा बिगनर हूँ, तो ग्राफिक कार्ड का सीन मुझे समझ अब आता नहीं है। खैर जब जैसे करेंगे वैसे सीख जाएंगे, और थोड़ा कॉस्टली भी था ग्राफिक कार्ड, इसलिए भी नहीं लगा। मेन रीजन यही है कि भाई पैसे उस टाइम मतलब बहाना हो गया दुनिया को बताने की, मुझे आता नहीं है, पर मेन रीजन यही, ठीक है। बहुत तेज हो रहा है। और इसमें मैंने रैम डलवाई है 16 GB, भाई घुमा रहा है, ये इसमें रैम दिख रही है 16 GB रैम है, जिसमें जो SSD है वो 500 GB है, 512 GB NVMe, ठीक है, बाकी और कुछ है नहीं। और जो इसमें SMP है वो 450 का SMP है, जो कि मुझे अराउंड 2500 तक मिल गया था। और सारी कंपनी मुझे याद नहीं है, फिंगर कोई कंपनी है SMP से कोई कंपनी याद नहीं है, बट ठीक ठाक है। और ये कैबिनेट देखो, ये कैबिनेट कितना चमकना कैबिनेट है, व्हाइट, तीन फैन है, 1 2 3 और एक पीछे फैन है 4, बाकी एक अपना AMD का जो फैन है वो तो है ही यही, ये ठीक है। बाकी अभी थोड़ा साइड करते हैं पीसी को, अब बातें मॉनिटर के बारे में, ठीक है। ये इसका बिल है
जो कि है बता देना आपको। तो भाई अभी हमने सीपीयू अनबॉक्स करा है, उसका अब हम करेंगे मॉनिटर। ये मॉनिटर है 22 इंच का, ठीक है, ये मैं सही साइड मिल गया, बाकी देखते हैं भाई इसका क्या सीन है। तो भाई ये है 22 इंच का मॉनिटर, ठीक है, बाकी इसकी जगह सेम यही है, विंडो विंडो ठीक ठाक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। देखो ये है बॉक्स, इस पर लिखा है LED मॉनिटर, ठीक है, 55.8 सेंटीमीटर, और ये जैप का A22FHD फुल HD LED मॉनिटर है, बाकी ये विदाउट स्पीकर है। एक इसका वेरियंट आता है स्पीकर वाला, वो मैंने नहीं लिया क्योंकि भाई अपनी मर्जी है, अपन को ना म्यूट चीज ज़्यादा पसंद है। बड़ा हरामी हो बेटा। और क्या बाकी देखो सेम डब्बा यही है और कुछ है इसमें, और एक इसका स्टैंड भी आता है पास, देखो स्टैंड का इसका, ये है इसका स्टैंड, इसका वहाँ मॉनिटर टिकेगा भाई, ठीक है। तो थोड़ी देर बाकी भाई अपनी अनबॉक्सिंग ऑलमोस्ट हो गई है, कैबिनेट हो गई है और ये हो गया, और आई थिंक कीबोर्ड वीबोर्ड तो बाद में करूँगा क्योंकि वो जब चलेगा तभी मजा आएगा देखने में, बाकी इतनी अनबॉक्सिंग है। बाकी अभी हम थोड़ी देर चालू होते सीपीयू, मतलब कंप्यूटर चालू होते हैं, सेटअप करते उसके बाद जाएंगे सीन, ठीक है, 1 2 3। गाइस फाइनली हमने अनबॉक्सिंग वगैरह सब कर ली है और हमारा जो पीसी सेटअप है वो भी हो चुका है। देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ, मेरा ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, जो भी है जैसा भी है मैंने आपको दिखा दिया है, और बाकी भाई जो भी सेटअप था मेरा सभी हो गया, अनबॉक्सिंग वगैरह भी हुई है, और मतलब बहुत से भाइयों ने कमेंट किया है मेरी वीडियो पे कि भाई सेटअप वीडियो लाओ, टेस्टिंग वीडियो लाओ। तो भाई देखो मैं कुल मिला के बताऊँ, भाई मैं टेक्निकल वाला बंदा नहीं हूँ, मैं टैग वगैरह नहीं करता, मैं व्लॉगर हूँ नॉर्मल सा, मैं व्लॉगिंग करूँगा। बाकी अब आपने कहा है कमेंट करके भाई टेक्सटिंग वगैरह करो, अनबॉक्सिंग लो, तो मैं लिया आया आपके लिए क्योंकि भाई आप हो तो मैं हूँ, तो बाकी खैर ये सब बात छोड़ो। बाकी भाई ये जो वीडियोस की अनबॉक्सिंग हो गई है, अब अभी चलते हैं टेस्टिंग पे, क्योंकि भाई कुछ भाई हमारे उन्होंने बोला कि टेस्टिंग पे गेमिंग टेस्ट करो, वीडियो एडिटिंग करो कि वीडियो एडिटिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, बाकी जो मल्टीमीडिया वो टेस्ट करो, क्रोम वगैरह कैसे चल रहे हैं, नॉर्मल जो टास्क है वो सब कैसे चल रहे हैं, वो मतलब कुल मिला के पूरी टेस्टिंग करनी है। इस जो ये जो मैंने पीसी बिल्ड करवाया इसकी टेस्टिंग करेंगे भाई, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है कैसे नहीं, क्योंकि देखो भाई बताऊँ गेमिंग का जो सीन है इसमें मैं बता दूँ, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है अलग से, तो ग्राफिक आता इसमें इंटरग्रेटेड ग्राफिक आता इसमें, तो ग्राफिक कार्ड कोई अलग से मैंने नहीं लगवाया, आगे इन फ्यूचर में लगवाऊंगा जैसे बजट होगा मेरा वैसे की, तब फिर देखेंगे। बाकी अभी इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो जैसे भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो भाई क्या ही करें, आप काम तो चलाना पड़ेगा, हमने बिल्ड करवा तो लिया है। बाकी भाई मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक मैं सुना है, मैंने नॉलेज ली है यूट्यूब से वगैरह से, बाकी ये जो APU है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है APU है, बाकी आगे देखेंगे। चलो अभी हम चलते हैं टेस्टिंग पे अपने, ज्यादा बकवास ना करते हो टेस्टिंग में चलते, ठीक है।
क्या पर देगा कि हमने अभी इस पर टेस्टिंग करी, हमने फ्री फायर खेली, बीजीएमआई खेली और वैलोरेंट खेली और इसमें वीडियो एडिटिंग भी करी है। तो मतलब मेरे हिसाब से भाई कुल मिला के ना पीजी बहुत जानदार है। मुझे आई थिंक मुझे लगा नहीं कि मुझे ग्राफिक कार्ड की नीड है भी। हाँ थोड़ा थोड़ा मतलब जब आप वीडियो एडिटिंग, जब वीडियो को आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपको लगेगा कि भाई ग्राफिक कार्ड की नीड पड़ेगी, अदरवाइज मुझे तो कोई नीड पड़ी नहीं। और भाई बाकी मैं जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ वो कैपकट में भी फिलहाल मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। बाकी एडोबी जो है वो एडोबी प्रीमियर प्रो वो मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे प्रोफेशनली वो नहीं आता है। सो डेट्स व्हाई रीजन मैंने अभी उसमें एडिटिंग नहीं की है। अभी जो एडिटिंग दिखाई आपको वो मैंने कैपकट पर दिखाई है। बाकी जो पीसी बिल करवाया इसलिए बिल करवाया क्योंकि मैंने जो ब्लॉगिंग आज मैंने स्टार्टिंग की है तो उसकी जो वीडियो एडिटिंग वो इसमें करूंगा। बाकी भाई गेमिंग तो भाई बहुत सही हो रही है, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसकी हिसाब से ही आ रही है। मतलब ज्यादा हाईएस्ट तो भाई मत ही रखना भाई क्योंकि भाई इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो अगर आप सोचो कि भाई बिल्कुल हाईएस्ट चलाओगे GTA 5 वगैरह वगैरह, मतलब GTA 5 इसमें रन हो जाएगी आराम से, स्मूथ चलेगी अगर आपकी जो ग्राफिक सेटिंग है वो मीडियम टू, मतलब मीडियम आराम से चला देगा भाई, बिल्कुल मक्का चला देगा। बाकी जो इसमें जो वेरिएंट है वो प्रॉपर सही चल रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। और बाकी मैंने GTA 5 इसमें अभी अभी इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि क्या भाई उसका ना मतलब वो एक पेड वर्जन, तो मतलब मेरे पास भी लाइक इतना कॉस्ट है नहीं कि मैं उसे भी परचेज करूँ। बाकी एक भाई से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को पता हो कि भाई हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चला मुझे बताना कि भाई, ताकि मैं भी करूँ एक बार टेस्टिंग वाला करूँ कि कैसा होगा कैसे नहीं। बाकी मैं एक बार दुआ दो भाई, मैं टेक्निकल वाला बंदा नहीं हूँ, मैं टेक वेक नहीं करता, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो आगे से मैं सीधा मेरा नॉर्मल व्लॉग आएगा और ये टेस्टिंग वगैरह आई थिंक नहीं आएगी। एक दो बार मैं नैरोप्ले चले जाऊंगा देख आपके आपके लिए रेटिंग वेटिंग जो है प्राइस वगैरह वो सब लिया हुआ एक बार जाके। बाकी भाई जो भी होगा देखा जाएगा। और मेरे हिसाब से भाई अनबॉक्सिंग वगैरह सब खत्म है, वीडियो यहीं खत्म होता है। तो भाई पता नहीं वीडियो है या व्लॉग है पता ही चल रहा, पर जो भी है वीडियो है आपके हिसाब से है भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ना भूलें। और भाई ऐसी जैसा आपने मेरी पहली वीडियो प्यार दिखाया, वैसे मेरी सारी वीडियो प्यार दिखाया भाई, बहुत ज़्यादा प्यार की जरूरत है मुझे। और बाकी भाई आपकी दुआ से अभी ये छोटा सेटअप है, आने वाले टाइम पे बड़ा सेटअप होगा, जैसे भी होगा भाई आपकी दुआ है। बाकी सपोर्ट पूरा बना रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खुदा हाफिज़।